हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 12.8। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसका पार्ट ए पढ़ा है गोजीज़ला के साथ, यानी कि टॉपिक नंबर 12.7 के साथ हमने 12.8 का एक ए पार्ट पढ़ा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी एप्लीकेशंस ऑफ गोजीज़ला। गोजीज़ला की एप्लीकेशन के भाई ये क्या है, हमने गोजीज़ला पढ़ा, टॉपिक पिन कर रहा हूँ, देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही हमने गोजीज़ला की एक पहली एप्लीकेशन भी देखी थी सफ़ेयर वाली की। अगर आपने सफ़ेयर के आउटसाइड या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो बुक में तो सिर्फ इनसाइड वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, गोजीज़ला को यूज़ करके कैसे कर सकते हो। एप्लीकेशन होते हैं कि यानी कि अगर किसी प्रिंसिपल को आप यूज़ करके कोई काम करो उसकी एप्लीकेशन होती है। जैसे कि इससे पहले हमने टॉपिक्स कवर किए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को इस्तेमाल यूज़ करते थे हम, तो उसमें प्रिंटर आ गया था और इंक जेट प्रिंटर और वो जीरोग्राफी थी, ठीक है। सेम वैसे ही अब हम इधर यूज़ किसको करेंगे, गोजीज़ला को यूज़ करेंगे। और याद रहे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो अब इसको यूज़ करते हो, हमने इसका पार्ट बी करना है जो कि हमारी बुक का हिस्सा है। वो पार्ट बी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी के ई, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। कि भाई हमने ना एक शीट है वो इनफाइनाइट लॉ महदूद है, बहुत बड़ी शीट है, उस शीट को इसके ऊपर पड़े हुए चार्जेस स्प्रिंकल किए हैं। अब आपने उन सब चार्जेस की वजह से क्या कैलकुलेट करके देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर। जरा हम वो देख लेते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं कि यार एक चार्ज की गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, आपने कहा सर होती है, मैंने कहा क्या होती है, उसने कहा सर ये देखें जी ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलती है, आपको बस इन दो पॉइंट्स, इस पॉइंट तक इसका क्या देना पड़ेगा, डिस्टेंस आर और इस चार्ज क्यू की वैल्यू। मैंने कहा अच्छा, फिर कहते सर हम फार्मूला लगाते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 πε0 q/r का स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो जस्ट इसकी डायरेक्शन के लिए r यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ यार ये याद आ गया, टॉपिक पढ़ा था। अच्छा मैंने कहा यार अगर ऐसे कर ले कि मेरे पास चार्जेस दो हों और उनकी वजह से कैलकुलेट करने हों, ये एक चार्ज ये दूसरा चार्ज, इस जगह पर कैलकुलेट करनी है, समझ आ रही बात की थोड़ी थोड़ी, इस जगह पर। तो आपने कहा सर ये इन दोनों के दरमियान तो होगी नहीं, ये भी हमने देखा था कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, तो इन दोनों की वजह से इधर और इधर। अब आपने कहा सर अगर आप इसको सिर्फ ऐसे छुपा लो तो आपको लगेगा ये आ रहा है, इसको छुपा लो तो ये, आपको उसे दोनों का सम, लेकिन आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर तो ऐसे ऐड हो ही नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, इसकी वजह से अलग, इसकी वजह से अलग, फिर इनके वैक्टर्स को ऐड कर हम करेंगे। तो इस प्रिंसिपल को भी हमने पढ़ा था वहाँ पर सुपर पोजिशन वाला, फोर्स के लिहाज से भी और फील्ड के लिहाज से भी, तो ये लगेगा। अच्छा मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा सर अगर इनफाइनाइट शीट हो, यानी कि ऐसी शीट बहुत लामहदूद और उसके ऊपर चार्जेस, जाहिर सी बात है अगर लामहदूद शीट है तो चार्जेस भी लामहदूद है, तो इन सब की वजह से उसकी लेफ्ट राइट या कहीं पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा हाँ यार ये भी रोल है। तो उसने कहा सर फिर आप क्या करें, आप इसके ऊपर लगाएं गोजीज़ला। मैंने कहा गोजीज़ क्यों, इससे भी तो हो सकता है। उसने कहा सर कर लो फिर खप लो जितनी देर खप सकते हो। मैंने कहा क्यों, उसने कहा सर दो का तो आपसे हो नहीं रहा, दो के लिए वेक्टर एडिशन करो, फिर उन दो को तीसरे पे लगाओ, फिर उन तीनों को चौथे पे लगाओ, तो अगर चार्जेस इनफाइनाइट हो जाए तो आप तो पागल हो जाओगे। करते करते मैंने कहा हाँ यार मैं पागल नहीं होना। तो उसने कहा सर फिर आप गोजीज़ला से ज़रा करके देखो, शायद आपको कोई आसान तरीका मिल जाए, कोई आसान सोल्यूशन मिल जाए। मैंने कहा यार तू कहता है तो कर लेते हैं। अब गोजीज़ला के हमने स्टेप पढ़े थे कि सबसे पहले आपने जो काम करना उसके लिए आप एक सरफेस ड्रा करते हो, गोजीन सरफेस, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसको गोजीन सरफेस बोलते हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सेपरेट फार्मूला लगाते हैं और हर सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, देन रिजल्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, उसने कहा सर जरा कर लें, ऐसे आप समझ नहीं आ रही अब क्या बोली जा रही है। मैंने कहा अच्छा, बुक ने ना भाई ये ऐसे करके ना एक डायग्राम बनाई है ऐसे करके, ठीक है, और इस ये जो आपके पास ये जो डायग्राम है ऐसे समझ लो एक पेज है, इस पेज के ऊपर ना चार्जेस स्प्रिंकल किए हुए, तो इसको जरा मैं टिल्ट करके बनाता हूँ। टिल्ट का मतलब है थोड़ा इस तरह, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर हो जाएगी ऐसे करके।
अब शायद आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। खैर, इसके ऊपर चार्जेस हैं। अच्छा, चार्जेस के बारे में कन्फ्यूजन आपके जहन में ना आए कि भाई ये पॉजिटिव सर ने बनाए हैं, बुक ने नेगेटिव है, या बुक ने नेगेटिव बनाए पॉजिटिव बनाए हैं, सर नेगेटिव नहीं, क्यों पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आंसर सेम आएगा, बस नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर चार्जेस। अच्छा, दूसरी चीज़ जहन में रखो कि ये शीट है इनफाइनाइट। अब देखो, ये फाइनाइट सी बनाई मैंने, इनफाइनाइट क्या होगी, लामहदूद, इसका मतलब है वो इधर भी चलती जा रही है ऊपर और इधर भी चलती जा रही है नीचे। अब इसके ऊपर ना हमने सबसे पहले रेक्टिव इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्लोज सरफेस लेनी है, जो क्लोज हो। मैंने कहा हाँ सर वो याद आ रहा है, गोजिस ने कहा था कि मेरी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला काम है क्लोज सरफेस, गोजियन सरफेस। मैंने कहा हाँ यार वो तो लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। अच्छा, उसने कहा सर आप मुझे ये बताया फील्ड कहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने कहा यार इस शीट के ना इस जगह पर कर लें या इस साइड पे कर लें, ये आसान रहेगा क्योंकि ऊपर और नीचे तो वैसे ही जा रही है, तो ऊपर तो वैसे ही जा रही है, इसलिए हम ऊपर भी नहीं जाते नीचे भी नहीं जाते, इस तरफ कर लेते हैं इस तरफ। अच्छा, उसने कहा सर इसके लिए ना क्लोज गोजियन सरफेस ले लें। मैंने कहा यार मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इस पर ना एक सफेयर ले लेता हूँ और सफेयर के अंदर चार्ज इंक्लूज, क्योंकि गोजियन ने कहा था कि आपका उधर उस सरफेस के अंदर चार्ज हो जहाँ पर आपने कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब है इस शीट को मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा कि वो सरफेस ऐसे एडजस्टमेंट इसके ऊपर ले, ख्याली सरफेस है ये ना, आप घर से कुछ फुटबॉल ले और उस शीट के अंदर डाल दो, नहीं ख्याली सरफेस है, तो आप ऐसी सरफेस ले लो जो इसके ऊपर एडजस्ट आ जाए चार्ज आ जाए। मैंने कहा अच्छा यार इसके ऊपर ना मैं सफेयर ले लूँ। उसने कहा सर सफेयर से ना बड़ा रोला डाल जाना है। मैंने कहा क्या? उसने कहा सर देखो ये ऐसे है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये शीट है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आएगी फील्ड और इधर से उधर जाएगी। उसने कहा सर जो इस तरह आप कर्व लोगे उसके इधर ये एंगल बनाएगी और एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप फंस जाओगे। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा सर एक बार आप बुक वाली ले लें, बाद में आप अपनी मनमानी करके कुछ भी ले लेना, फिर देख लेना आंसर सेम आता है या डिफरेंट। मैंने कहा लो सर आप कहते हो तो हम ऐसे कर लेते हैं, दिल नहीं मानता, चलो एक सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर ये सिलेंडर है जी, ठीक है, ये इस मार्कर का कैप जो है ये भी सिलेंडर है। सिलेंडर क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, आपका घर वाला जो गैस वाला सिलेंडर है वो भी एक सिलेंडर है ना। उस सिलेंडर को क्या किया हमने, कुछ इस तरह रखा कि आधा सिलेंडर शीट के फ्रंट पे आ गया और आधा बैक पे चला गया। जैसे कि लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये आधा मार्कर इसकी बैक साइड पे और आधा मार्कर फ्रंट साइड पे है, तो ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये इस वक्त एक शीट, ठीक है, समझ आई थोड़ी बहुत, तो ये शीट है। अब उसने कहा सर इसकी ना तीन सरफेस है। मैंने कहा कौन कौन सी? उसने कहा सर देखो एक सरफेस तो होगी ये वाली, ये वाली जो खुद एक सरफेस है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर ये A1 है। मैंने कहा फिर? उसने कहा सर ये A2 है। अब चूंकि सिलेंडर सिमेट्रिकल है तो A1 इज इक्वल टू A2 इन एरिया। मैंने कहा एरिया और एरिया दूसरा तो A1 और A2 की लिख रहा है। उसने कहा सर ये जो A1 और A2 है ना ये नॉट इक्वल टू ईच अदर है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर ये वैक्टर्स है। अच्छा अच्छा मैंने कहा वैक्टर्स हैं यानी कि इसका वैक्टर इधर है इसका इधर है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन वो कहता है सर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा सर ये मैग्नीट्यूड है, दोनों की मकदारें जो हैं वो दोनों साइड पर सेम है क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए सिमेट्री को इख्तियार किया। सिमेट्री मीन दोनों साइडों पर जब हम किसी चीज़ को काटें तो दोनों साइड पर वो बराबर आए, इनका जितना पोर्शन सिलेंडर का इधर है उतना उधर है, जैसा इधर है सिलेंडर वैसा ही सिलेंडर उस तरफ है। अच्छा मैंने कहा अपनी आसानी के लिए तूने किया है लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं अपनी अपनी कोई ना कोई और सरफेस लेकर ट्राई जरूर करूंगा। उसने कहा सर आप जैसे मर्जी कर लें लेकिन आंसर यही है। मैंने कहा यार तू कहता है मुझे लगता नहीं लेकिन मैं करूंगा जरूर। अच्छा उसने कहा तीसरी? उसने कहा सर ये तीसरी ये वाली सरफेस। मैंने कहा ये कौन सी है? उसने कहा सर ये वाली सरफेस, ये देखो ये इस तरह रखा है, अगर मैं इस तरह कैप रखूँ तो क्या होगा, एक सरफेस, दूसरी सरफेस बैक एंड वाली फ्रंट एंड, और तीसरी ये जो शीट के क्या है बिल्कुल पैरेलल शीट के, इसका जो वेक्टर एरिया है, ठीक है, लेकिन चार्जेस के फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी देख लेते हैं। अच्छा अच्छा उसने कहा सर चले आगे चले। मैंने कहा सबसे पहले तो गोजियन सरफेस होगी। उसने कहा होगी। स्टेप वन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। स्टेप वन कंप्लीट क्या हुआ, गोजियन सरफेस सेलेक्ट की, बेहतरीन सी जबरदस्ती हमने गोजियन सरफेस ड्रा कर ली। फिर उसने कहा अब स्टेप टू की तरफ आ जाए। स्टेप टू की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए गोजिस फ्लक्स वाला जो फार्मूला है उसको ज़रा अप्लाई करना है। उसने कहा सर तीन साइड्स बनती हैं, सिमेट्री है तो जितनी फील्ड इंटेंसिटी इधर आनी उतनी इधर जानी है, तीसरी सरफेस पे डिफरेंट होगी लेकिन आल दो तीसरी सरफेस पे आंसर जीरो बनना है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर आप गौर करें कि जैसे ये पेज है तो फील्ड इधर है
ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव, ये एक दूसरे के दरमियान कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट, तो हर जगह कैंसिल होती जाएगी, तो सिर्फ इस चार से इधर वाली फील्ड बनी है और इधर, तो हमारी सरफेस का एरिया ऊपर है और फील्ड इधर है, तो एंगल 90। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। मैंने कहा फिर उसने कहा सर देखो टोटल जो फ्लक्स बनना है वो तीन फ्लक्स का सम बनना है। अच्छा मैंने कहा तीन। उसने कहा सर पहला फ्लक्स तो आपका बनना है जस्ट ये ई डॉट ए वन। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा सर दूसरी बनना है ई डॉट ए टू, ये वाली और ये वाली। फिर उसने कहा सर तीसरी बननी है ई डॉट ए थ्री, फ्लक्स वाला फार्मूला। उसने कहा फिर नेक्स्ट याद कहा सर ई ए। उसने कहा सर ए वन नहीं लिखेंगे। मैंने कहा भी आपको बताया कि यार ये जो ए वन का मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है, दोनों साइडों पे सेम है, इनटू कॉस। उसने कहा सर कॉस, एंगल आके क्या आएगा कॉस थीटा। उसने कहा इधर इधर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ई ए थ्री कॉस थीटा। मैंने कहा इधर ई थ्री है, क्योंकि सर उसने कहा सर ये एरिया जो है ना इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर नहीं है, इनका है। मैंने कहा अच्छा अच्छा फिर उसने कहा सर ई ए कॉस ज़ीरो, ई ए कॉस ज़ीरो, ई ए थ्री कॉस 90। उसने कहा सर ये दो ज़ीरो दे दिए आपने, इस बेचारे को 90 क्यों कर दिया, इस बेचारे का क्या कसूर है। मैंने कहा इसका कसूर ये है कि ये अगर ये साइड है तो फील्ड लाइन्स इधर है, इसका वेक्टर एरिया इधर है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एंगल विल बी ज़ीरो। जो बैक एंड वाली है, जो बैक साइड है, वहाँ के चार्जेस उसी तरफ है और उनका वेक्टर एरिया भी उसी तरफ है, तो उनके लिए भी एंगल ज़ीरो। लेकिन जो तीसरी है ये या यूं, तो इसका वेक्टर एरिया इस पॉइंट का ऊपर होगा, इस पॉइंट का इधर होगा, इस पॉइंट का इधर होगा, इस पॉइंट, यानी कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले उसका वेक्टर एरिया उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, और फील्ड इधर है, तो आप कहीं पर भी एंगल देखोगे एंगल क्या आएगा 90, कोस 90 ज़ीरो, तो ये फैक्टर आउट, कोस ज़ीरो वन, तो इधर क्या बचेगा ई ए इंटू वन प्लस ई ए इंटू वन, तो टोटल आंसर विल बी टू ई ए, क्योंकि एरिया सेम है, फील्ड चूंकि सेंटर में सिमेट्री को इख्तियार किया हुआ है, सेंटर से सिलेंडर दोनों साइडों पे बराबर है, सेंटर में सिलेंडर की शीट है, इसका मतलब है कि फील्ड दोनों साइडों पे क्या होगी, ये हो जाएगा टू ई ए। अच्छा मैंने कहा ये जी आपका हो गया स्टेप टू। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा काम आगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो टू ई ए आ गया। अब उसने कहा सर अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है स्टेप थ्री में गॉसेज लॉ को, ठीक है। मैंने कहा गॉसेज लॉ। उसने कहा सर जो गॉसेज लॉ होता है ना वो हमारे पास होता है फाई ई, इनके ये फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अंडरस्टूड है, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यार मैंने कहा क्यू अगर एक होता तो मैं पागल था, ये काम करता मैं डायरेक्ट खुद ना कैलकुलेट कर ला। आपने क्यू क्यू लिखा है भाई, क्यू चार्जेस मल्टीपल चार्जेस है, इतने ज़्यादा चार्जेस हैं इसके लिए क्या जुगाड़ लगाओगे यार, इसके वजह से तो सारी खपत की और ये फिर मेरे से क्यों मांग रहा है। उसने कहा सर आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा सर ये जो क्यू है ना इसका एक जुगाड़ है। मैंने कहा यार ये मुझे जुगाड़ समझा दे सर। उसने कहा सर लेक्चर को छोड़ दें, एक बार मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहा सुना। उसने मुझे बताया, उसने कहा भाई साहब आप चले गए किसी भी इलाके में, लेट्स सपोज आपके पास कोई गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, उस गाँव के अंदर फसल होती है कुछ भी, हुकूमत कहती है जाओ आप पता करके आओ कि उस इलाके में पर एकड़ के लिहाज से कितनी गंदम या कितना अनाज बन रहा है, कितने मन अनाज बन रहा है। हम सपोज कर लेते हैं 100 मन पर एकड़, ठीक है सपोज कर। क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने पूरे गांव का जो टीम गई पूरे गांव का रकबा नोट किया, या पूरे गांव की रकबा नोट करने के बाद पूरे गांव की जो गंदम थी उसको कैलकुलेट किया, फिर सारे रकबे पर उसको डिवाइड किया, तो फिर उनके पास पर एकड़ के लिहाज से आ गई? नहीं, एक जुगाड़ है। उनका वो क्या जुगाड़ है? उसने कहा सर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक एकड़ के अंदर जितनी भी फसल बन रही थी उसको रख लिया, फिर किसी और जगह पर एक एकड़ रख ली, फिर किसी और जगह पर, तो इससे उन्होंने एक एवरेज वैल्यू ढूंढ ली। उन्होंने कहा भाई इतनी फसल पर एकड़ में इस गांव में हो रही है, क्या पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी या पूरे गाँव में घूमने फिरने की जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा सर उन्होंने कुछ पॉइंट्स पर ले लिया। अब हमारे जो चार्जेज हैं इनके अंदर ये खूबी है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसका मतलब है मैं किसी भी स्पेसिफिक लेवल पर, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मैं कहता हूँ ये 1 मीटर और 1 मीटर, यहाँ देखा 1 मीटर स्क्वेयर इसका एरिया, स्क्वेयर पे कितने चार्जेस हैं? कहेंगे सर 1000 चार्जेस हैं। मैंने कहा फिर इसी तरह उस शीट का अगर मुझे टोटल एरिया पता चल जाए तो उस इन्फिनिट शीट पे
जो चार्जेस की तादाद है, मैं उसे इस फैक्टर को क्या करूंगा, जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। इस चीज को बोलते हैं हम इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है क्यू बाई ए, कितना चार्ज है कितने एरिया पर। ठीक है, और ये हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, सेम हमारे पास एक लैम्डा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो बताता है कि कितनी लाइन, कितनी लंबी लेंथ पर वन डायमेंशनल में कितने चार्जेस हैं, या टू डायमेंशनल। इसी तरह एक और भी होती है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो बताता है भी कितने वॉल्यूम में कितने चार्ज। खैर वो हमारा नहीं है इधर, तो हम सिर्फ इसको देखते हैं। उसने कहा सर ये तो जुगाड़ बड़ा आसान है, फिर क्या करेंगे, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा के। अच्छा, मैंने कहा यार ये बड़ा बेहतरीन जुगाड़ है, फिर अब क्या करना है। स्टेप फोर आ गया डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू आ गया, आप जरा इधर पुट करें, ये आ जाएगा वन ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए। मैंने कहा अच्छा, फिर उसने कहा सर नेक्स्ट जुगाड़ क्या करना है। नेक्स्ट जुगाड़ है जी आपका स्टेप जो है आगे वाला, स्टेप नंबर फोर, कंपेयर कर देना आपने बोथ साइड्स को, यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन से हुआ हुआ फ्लक्स है फील्ड इंटेंसिटी वाला, और जो कॉसेस ने करके दिया। तो चूंकि लेफ्ट फ्लक्स इज इक्वल टू, जो इधर फ्लक्स आ रहा था वो तो आ रहा था टू ई ए, और जो इधर फ्लक्स निकल रहा है वो निकल रहा है वन ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। दोनों को कंपेयर कर लो, तो टू ई ए, अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है देन राइट साइड्स आर आल्सो इक्वल, इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए। ए और ए कैंसिल, क्योंकि मैंने बताया यार मैंने मैग्नीट्यूड लिया। अच्छा, उसने कहा सर आगे चलें आप, छोड़ें इसे, ये आ गया। तो ये टू इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड सिग्मा। ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप लिखोगे टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ई। उसने कहा सर ये तो आपने स्केलर निकाला है, इसकी वेक्टर डायरेक्शन भी तो बता दें, वो उसमें तो कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने कहा वेक्टर के लिए कुछ भी नहीं करोगे, जहाँ पर आपने ढूंढना है उस जगह पर आप इसे वैक्टर फॉर्म में लिख दोगे, जैसे कि हमने पीछे किया था, सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट इन टू क्या लगा देंगे, आर यूनिट वैक्टर। तो ये इसकी हो जाएगी वैक्टर फॉर्म। उसने कहा सर ये आंसर आप याद रख लें, अब आपने मुझे ये आंसर सफेयर या सफेयर से निकाल के दिखाना है या स्केयर से निकाल कर दिखाना है। बुक ने तो निकाल कर दे दिया, स्केयर से निकाल के दिखाएं क्या, गोजीज ने कहा था सरफेस डिपेंड नहीं करती, बस क्लोज होनी चाहिए। मैंने कहा मैं हाजिर, मैं अभी करके दिखाता हूँ, ये आंसर निकाल के दिखाना है, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगा, अब मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाता हूँ क्या यही आंसर मेरा स्केयर को ड्रा करके निकलेगा। जरा चेक करते हैं, सबसे पहले हमारी वही डायग्राम, इसको जरा, ठीक है, इसके ऊपर है जी चार्जेस, उसने कहा सर चार्जेस बना लो, बस समझो सर बन गए चार्जेस, आपकी बात पे यकीन है, ये सारे चार्जेस पड़े हुए और ये शीट कैसी है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब उसने कहा सर इधर ना आप स्केयर बना ले। मैंने कहा अच्छा, मैंने ना एक स्केयर ड्रा करना है, ये लें जी, स्केयर को कैसे ड्रा करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और सेम इधर होगा ये स्केयर, ऐसे करके कुछ ड्रा होगा इधर ना। ठीक है, यानी कि स्केयर का मतलब ये है कि आपके पास ये, लेट्स सपोज आप इस दृश्य को स्केयर ले लो। ठीक है, ये वैसे तो रेक्टेंगल टाइप है, लेकिन इतना सा आप इसको ले लो। अब ये आधा उधर है और आधा इधर है, वहाँ पर आपके पास कितनी सरफेस थी। उसने कहा सर वहाँ पर थी तीन, आल दो वो जो तीसरी है उसको हमने एक ही कंसिडर किया था, इधर कितनी होंगी। उसने कहा सर ऐसा समझ लो ये एक स्क्वायर रूम है, इसके दरमियान में सेंटर में काट के, एक स्क्वायर रूम है ऐसे करके, स्क्वायर रूम है, इसके सेंटर में काट के ना आपने एक शीट डाल दी ऐसे करके, जिसने इस कमरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, इधर वाला और दूसरी साइड वाला, और दोनों हिस्सों को कुछ ऐसा तकसीम किया कि शीट जो हमने डाली है, जो बाउंड्री लाइन डाली है, वो बिल्कुल सेंटर में, मतलब कि हाफ लेफ्ट और हाफ राइट। अच्छा, उसने कहा सर इसकी सरफेस गिन दे ज़रा, मैं ज़रा थका हूँ। मैंने कहा एक दो तीन चार पाँच और छः। उसने कहा सी सर छः बनती है, लेकिन जब इसको हाफ काटेंगे तो कितनी हो जाएंगी। मैंने कहा छः एक साइड पर बनेंगी। उसने कहा अच्छा, यानी कि छः इस साइड पर बनेंगी, छः इस साइड पर बनेंगी। अच्छा, उसने कहा सर अब आप जरा इन छः सरफेस का, छः इधर
छः उधर। उसने कहा सर आप इन सरफेस को ज़रा कैलकुलेट करें, टोटल 12 बनती है। मैंने कहा 12 तो बनती हैं, लेकिन जो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेज है, तो फील्ड इधर आएगी, इस वैक्टर एरिया ये ऊपर, ये वैक्टर एरिया इधर, ये वैक्टर एरिया इधर, ये वैक्टर एरिया इधर। उसने कहा सर ये वैक्टर एरिया आप कैसे कर रहे हो? मैंने कहा सॉरी ये 12 नहीं बनेगी, बल्कि एक एक तो अलग आ जाएगी ना, तो दरमियान वाली 4 कटेंगी, तो ये हो जाएंगी 5 एक साइड पर, 5 एक साइड पर, ठीक है 5 बनेंगी, 5 टोटल 10 हो जाएंगे। एक वैक्टर एरिया इधर, एक वैक्टर एरिया इधर, एक इधर एक इधर, लेकिन वैक्टर हमारा इंटेंसिटी का वैक्टर कहाँ होगा? इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा इधर, तो उसने कहा सर इधर 90 एंगल, इधर 90 एंगल, इधर 90 एंगल, इधर 90 एंगल, तो इस साइड की 4 साइडों का फ्लक्स कितना हो जाएगा? उसने कहा सर 4 0 हो जाएंगे, यानी कि 4 साइड फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स लेफ्ट साइड का, मैं इसे लेफ्ट लिख लेता हूँ, यह आ जाएगा 51 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। उसने कहा सर 0 0 इसलिए आएगा कि ये 4 साइडें 90 एंगल बनाएंगी, जो इधर बचेगा वो बनेगा ई ए कॉस 0, तो बचेगा सिर्फ ई ए। अब उसने कहा सर राइट साइड पर देखें ज़रा, अब अगर यही चीज़ आप राइट साइड पे करो तो उधर की 4 साइडें ये ऊपर और नीचे, इनके साथ वेक्टर एरिया कितना हो जाएगा? 90 0, लेकिन एक बचेगी चूंकि सफेयर सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया इधर है उतना ही उधर होगा, तो इस साइड पे के लिए भी क्या आ जाएगा? 51 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको करो तो इसकी जगह आ जाएगा ई ए कॉस 0, क्या बचेगा? ई ए। तो मैंने कहा भाई टोटल फ्लक्स क्या होगा? आपको लेफ्ट और राइट को जमा कर दे तो आंसर बनेगा 2 ई ए। अच्छा, उसने कहा सर आगे गॉसियस लॉ ही था। आगे क्या था? गॉसियस लॉ, वो क्या था? गॉसियस लॉ के मुताबिक आगे हमारे पास जो फ्लक्स बना था वो बना था 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, एंड वी आल्सो नो दैट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा है। उसने कहा सर ये वाला फ्लक्स और ये वाला कंपेयर कर लें, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 ई ए, और इसके आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, ये से कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर बनी? 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। क्या ये है मैग्नीट्यूड में सेम है, और वेक्टर में अगर आपने इसे लिखना हो तो 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू आर यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। मैंने कहा यार छा गया यार, तू वाकई सही कहता था गॉसियस कहता था सर आपने टेंशन ही नहीं लेनी कि कैसी सरफेस ड्रा करनी है उसका। मैंने कहा यार सफेयर से हो जाएगा? उसने कहा सर हो जाएगा, लेकिन बख्श दो हो जाएगा। मैंने कहा यार वो कर दे। उसने कहा सर देखो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप सफेयर को ड्रा करोगे कुछ इस तरह ड्रा होगा, उसमें सिर्फ इस पॉइंट का वेक्टर एरिया आएगा या इस साइड का वेक्टर एरिया आएगा जिसका फील्ड वेक्टर 0 एंगल बनाएगा, बाकी पर इस जगह पर एंगल 0 हो जाएंगे, कुछ जगह पर एंगल्स बनेंगे, तो एंगल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे हर पॉइंट का, फंस जाओगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि इसलिए हमने नहीं लिया, इसलिए इधर सिलेंडर चूज किया क्योंकि उसकी सर्फेसिस कितनी थी? 3 थी। इधर क्या रोल है? इधर सर्फेसिस हमारे पास अगर हम स्केयर लेते हैं तो सर्फेसिस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, 5 एक साइड पे 5 एक साइड पे, लेकिन आंसर क्या बनता है वही, तो इसलिए हम सबसे आसान तरीका चूज करते थे, तो इसलिए आसान तरीके से किया तो आंसर ये आ गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। इससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, कोई डाउट है, कुछ सही कोई भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में कोई डाउट आ जाता है तो उसे आप कमेंट में बताएं, ठीक है।